हम खड़े हैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश में और सफ़रनामा विद स्पोर्ट्स क्रेजी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकित चौबे। अगर मैं आपसे एक ऐसे पहलवान का जिक्र करूं जिसने पहलवानी में ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का भारत का नाम रोशन किया है और मैं इनको बहुमुखी प्रतिभा का इंसान कहूँगा, क्योंकि जो इनके प्रतिभा के सिरे हैं वो कहीं और जाकर भी मिलते हैं। चाहे उनका सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना, जहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड पीस कैंपेन, ड्रग कैंपेन चलाया था, या फिर 2015 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से जो इनको सम्मान दिया था भारत सरकार ने, जहाँ पर इन्होंने दो बच्चों की जानें बचाई थी रिवर गंगा में, और ये पुरस्कार खुद इन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी 50-60 साल के पहलवान का जिक्र कर रहा होऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 23 साल के पहलवान का, लाभांशु शर्मा जी का, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर दिखाया है। आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं सफ़रनामा विद स्पोर्ट्स क्रेजी के एक बेहतरीन एपिसोड में लाभांशु शर्मा जी से। मैं लाभांशु शर्मा, मैं इंटरनेशनल रेसलर हूँ। मैं ऋषिकेश से हूँ, मैं 120 केजी में खेलता हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऋषिकेश से, क्योंकि ज़्यादातर पहलवान हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से होते हैं, लेकिन मैं एक योग नगरी जो पूरे विश्व में योग के नाम से प्रसिद्ध है, ऋषि मुनियों की नगरी जिसे हम बोलते हैं ऋषिकेश, मैं यहाँ से निकला हूँ और यहीं मैंने विपरीत स्थिति में प्रैक्टिस कर एक अलग एटमोसफियर से एक रेसलिंग का माहौल बनाया और यहीं पर रहकर ही मैंने ट्रेनिंग करी है। धन्यवाद लाभांशु, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऋषिकेश में आकर, एक अलग ही आभा, एक अलग ही वाइब है यहाँ की। थोड़ा मुझे बताएं ऋषिकेश के बारे में, कैसा है ये शहर? ऋषिकेश हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसे तीर्थ नगरी ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश और ये पावन माँ गंगा की नगरी ऋषिकेश के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी, ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि योग नगरी में आपका जन्म हुआ, वहाँ से पहलवान बनने का एक सपना आपके अंदर कैसे जगा? आप कह सकते हैं कि बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह थी और उन योगियों का ही आशीर्वाद मेरे साथ था और मैंने पहलवानी करनी शुरू करी और एक छोटी सी कोशिश करी जिसमें मैं आगे और निरंतर कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। थोड़ा सा मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूँगा कि कैसा रहा है बचपन, माँ बाप का कैसा सहयोग रहा है, थोड़ा माँ बाप के बारे में बताएं, बचपन के बारे में बताएं। बचपन तो बस इन घाट पे और ये गंगा के किनारे इधर ही गुजरा है, इधर मेरा घर है और इन्हीं घाट पे हम नहाते थे। डेली हमारा गंगा जी में नहाना और रेत के किनारे एक्सरसाइज करना, दौड़ लगाना, कुश्ती लड़ना और जंगलों में घूमना, क्योंकि ऋषिकेश में जंगल, पहाड़, नदियाँ पूरा एक प्राकृतिक संगम है और इन्हीं की गोद में हमारा जीवन गुजरा है। और माँ बाप का सहयोग बहुत रहा, क्योंकि किसी के भी जीवन में माँ बाप का सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। मेरे पिताजी भी क्योंकि पहलवान थे भारतीय सेना में, तो उनसे भी प्रेरणा मुझे मिली और काफ़ी घर वालों का पूरा सहयोग मिला। के पापा कहते जो कर रहा है करने दो। हाँ, मैं कह देती थी कई बार पढ़े क्या ये कुश्ती उश्ती, तो ये कहता पढ़ खेल लेते, तो कहते थे पढ़ नहीं रहा ये वो, फिर सब ये छोड़ के रख देते थे, इसका पापा है ये भी इसी कुश्ती में, बस ये तो अब क्या कर सकते। जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि सबसे पहली बार आपने कुश्ती कब लड़ी थी, किस उम्र में लड़ी थी आपने? कुश्ती लड़ना मैंने शुरू 12 साल की उम्र में कर दिया था। जी, अच्छा, और कब सोचा कि मुझे एक प्रोफेशनल कुश्ती में, मतलब पहलवानी में एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह खेलना है, प्रोफेशनल बनना है इस खेल में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिल्ली में टूर्नामेंट होता है नौशेरवा का, उसमें क्या होता है आपको 9 कुश्तियाँ लगातार जीतनी होती हैं, मिट्टी पे होता है, 150 साल पुराना, बहुत पुराना दंगल है। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने दिल्ली गया, हालांकि कुछ जानकार कुश्ती के ऐसा कह रहे थे उस टाइम की
जो लड़का गंगा के किनारे रेत में अभ्यास करता है, ऐसी कोई फैसिलिटी भी इसको नहीं मिली, और जो वहाँ पर दिल्ली हरियाणा पंजाब से पहलवान आ रखे थे, कि ये उनके संग कैसे लड़ेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? नहीं तो कहा तो ये जाता है कि गांव गली का बच्चा बस देहात तक ही क्षेत्र खेल के रह जाता है, लेकिन इसने उन कहावतों को बिल्कुल विपरीत साबित हुआ, जैसा मैंने इसे परखा था, देखा था, समझा था, पहचान लिया था कि ये लड़का दूर तक पहुंचेगा, ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। लेकिन माँ गंगा के आशीर्वाद से मैं लड़ा और मैंने 9 की 9 कुश्तियाँ जीती और 9 शेरवा का टाइटल, उत्तराखंड का पहला पहलवान मैं बना जिसने 9 शेरवा दिल्ली का खिताब जीता, और देश का सबसे कम उम्र में 9 शेरवा खिताब जीतने वाला मैं पहलवान मैं बना उस टाइम। खिताब पर मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंसान क्या होता है जब मुतासिर होता है, तो उसके पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं, एक सेलिब्रिटी एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि कोई सेलिब्रिटी जिसको देख के आपने पहलवानी शुरू करी, या घर में कोई ऐसा था जो आपका रोल मॉडल होगा, तो आपका रोल मॉडल कौन था जब आपने पहलवानी शुरू करी? देखिए यकीनन मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी थे जी, क्योंकि वो सेना में थे और एक मिट्टी से जुड़े हम इंसान हैं, और एक माहौली घर का ऐसा था, कुश्ती सेना, तो मेरे अपने पिताजी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। लावांशु, जो कि हम ऋषिकेश के शहर में आए, एक पावन शहर में आए, और उत्तराखंड से आपका ताल्लुक है, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि पहलवानी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आप, मतलब कितना सपोर्ट पहलवानों को किया जाता है आप? उत्तराखंड में देखें तो कुश्ती बहुत ही कम जगह है, उद्धम सिंह नगर में थोड़ी मोड़ी खेली जाती है, या नहीं तो ये हरिद्वार जिले में ही समझिए आप, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, ये गेम ऐसे है जो विलुप्त की कगार पर है, और उसके बावजूद इसने अपना कुश्ती में इतना अच्छा कैरियर बनाया। देखिए पहलवानी का इतना इधर कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कोई अखाड़ा भी नहीं है, मैट वगैरह की भी इधर सुविधा कम है। तो मुश्किलें तो आती होंगी, दिक्कतें तो होती होंगी, तो इन दिक्कतों का आपने कैसे सामना किया? दिक्कतें तो थीं, मुश्किलें तो थीं, लेकिन हमेशा की सोचा था कि कुछ करना है, मुश्किलों से रुकना नहीं है, मुश्किलों से लड़कर ही जीता जाता है, और वही कोशिश जारी है। बिल्कुल, ठीक है, मैंने सुना है कि बम्बई में मरीन ड्राइव है, उसका मैंने बड़ा जिक्र सुना है क्योंकि मैं बम्बई गया भी हूँ और मैंने मरीन ड्राइव देखी भी है, मैंने सुना यहाँ पर भी कोई मरीन ड्राइव है, तो आप मुझे ले चलेंगे वहाँ पर? जी आपने बम्बई का जिक्र करा, बम्बई मैं भी गया हूँ, मैंने भी वहाँ का मरीन ड्राइव देखा है, और अब मैं आपको यहाँ का मरीन ड्राइव दिखाता हूँ अपने ऋषिकेश का, फिर आप ही बताइएगा कि कौन सा मरीन ड्राइव आपको ज़्यादा अच्छा लगा। चले चलते हैं मरीन ड्राइव पर और बाकी की बातें वहीं करते हैं। मेरा नाम सोनम है और वो बहुत शरारती है और बहुत हमें, हम तीनों बहनों को बहुत तंग करता है, और बस इधर से उधर बहुत बहुत काम करवाता है हमसे। घर में उछल कूद मचाए रखता था, सबसे छोटा है तो तीनों बहनों के संग इधर उधर कूदना फानना छोटा होता है। हम कह देते हैं, हम बहनों का शौक होता था भाई ये खेलें, गेम खेलें, ऐसा खेलें, छुपन छुपाई वगैरह खेलें, मगर इसका तो बस हर चीज़ में बस मैं तो कुश्ती करूँगा कुश्ती ही करूँगा, तो हमने इससे छोड़ ही दिया इसके साथ खेलना। लावांशु, हम मैरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं और मैं यहाँ की आभा को देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और जैसा आपने बताया था बिल्कुल ही वैसी है, उससे ज़्यादा ही खूबसूरत है ये। शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने पिछला सेगमेंट छोड़ा था, और मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने कहा था कि उत्तराखंड में सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहा है, जब आपने पहलवानी शुरू करी थी तो बहुत सुविधाओं की अभाव रहा है वहाँ पे, तो आप, हमने ये भी सुना है कि चाहे हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहाँ पे पहलवानों को अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, तो फ़र्क क्या है सर दोनों जगहों पे? देखिए उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इधर अच्छी मैट की सुविधा, अच्छा अखाड़ा और उसके संग प्रॉपर जिम और सोनाबाद, सोना स्टीम, एक प्रॉपर स्टेडियम, तो और इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, अखाड़ा नहीं है, मैट नहीं है, मिट्टी का भी हमने बाद में एक छोटा सा अखाड़ा इधर बनाया, और सोनाबाद, सोना स्टीम, ऐसा इधर कुछ भी सुविधा नहीं है, तो जो काफ़ी एक ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने दिल्ली क्यों चुनी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप पंजाब जा सकते थे, हरियाणा जा सकते थे, आपने दिल्ली का चुनाव क्यों किया? दिल्ली में एक बार नेशनल्स हो रहा था, तो उधर मेरे को सुशील कुमार जी ने देखा कुश्ती लड़ते हुए, तो उन्होंने उसके बाद मेरे को अपने पास बुलाया,
और कहा कि आप बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हो और आप आगे तक अच्छा कर सकते हो देश के लिए और आप हमारे अखाड़े में इधर ट्रेनिंग कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने फिर उधर उनके अखाड़े में ट्रेनिंग करनी शुरू करी। आप दिल्ली जब पहुंचे होंगे, एक नया शहर होगा आपके लिए, और आपको वहाँ पे जो कोचेस मिले होंगे वो अलग अलग शहर के मिले होंगे, चाहे कोई कोच हरियाणा का होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, तो भाषा समझने में कोई तकलीफ हुई आपको? एक बार मैं ऋषिकेश आया पहुँचा था, और ऋषिकेश पहुँचते पे लाभांशु पहलवान था और वो रेते पे जोर कर रहा था, और जोर करते हुए मैंने उसको देखा कि उन्होंने सब पहलवानों को पछाड़ दिया। वहाँ से पिछाड़ते हुए देखा तो मैंने उसको, मैं अपने अखाड़े पे ले गया, अखाड़े पे फिर उसने सभी पहलवानों को पछाड़ दिया। तो मैंने ये देखा कि ये लड़का की प्रतिभा बहुत है, ये आगे तक जाएगा। नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर भी हम हिंदी बोलते थे और उधर भी वो कोच, मतलब हरियाणवी पंजाबी हिंदी मिक्स, तो इजीली मैं समझ जाता था, और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी दिल्ली में थे जिन्होंने मेरी मदद करी थी। सर, कोचिंग मेथड्स क्या होते हैं, क्या तरीके होते हैं, कैसे एक प्रोफेशनल पहलवान को ट्रेन किया जाता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। एक प्रोफेशनल पहलवान को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरी सुविधा होने की ज़रूरत है, और उसके बाद उसके एक बेसिक से स्टार्ट करा जाता है, जो एक 8-10 साल की उम्र में एक बच्चा जैसे उसे उसमें ढाला जाता है और उसे धीरे धीरे गाइडेंस करी जाती है, जो एक प्रॉपर कोच के माध्यम से ही हो सकती है। आपकी सर दिनचर्या क्या थी, कैसे आप सुबह उठते थे, क्या क्या करते थे, ये जरूर मैं जानना चाहूँगा। उनकी दिनचर्या ही अलग होती है, जैसे सवेरे उठना, दौड़ दाड़, ये वो कुश्ती, फिर उनका बादाम पीना, फिर उनका खाना घी में, और फिर उनका सोना, बस खाना सोना खाना सोना, प्रैक्टिस यही चलता रहता है। हम सुबह 3:30 बजे उठते थे और 4 बजे हम लाइनअप होते थे। 4 बजे काउंटिंग होने के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी शुरू होती थी, जिसमें रनिंग और सारी 2 घंटे हम इसमें पूरी प्रैक्टिस करते थे। बहुत ज़्यादा हम थक जाते थे 2 घंटे प्रैक्टिस करके, क्योंकि पहलवानी इतना आसान गेम नहीं है। इंडिया में हम बोलते भी हैं पहलवानी करना लोहे के चने चबाना जैसा है, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट गेम इन द वर्ल्ड है रेसलिंग, क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा भी रहता है। हाँ, मेरे को लगता था ये टूट फूट का गेम है, अपना कहीं हड्डी वड्डी में लग गई तो दिक्कत हो जाएगी करके, बस मना भी करती थी, मैंने कहा पढ़ने दो कुछ बस इसका। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर, मैंने कहा कुछ पढ़ाई करेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, नहीं कुश्ती कुश्ती, तो इसको भी शौक पड़ गया, फिर मैं बस फिर एक हो गए दोनों, अपना लगे रहे। तो और फिर हम 3:30 बजे उठ के 4 बजे हमारी क्लास शुरू होती थी, 6 बजे तक हम रनिंग वगैरह करके, फिर 15 मिनट का हमें गैप मिलता था, उसके बाद 6:15 बजे हम दोबारा मैट पे जाते थे, जहाँ पर हमारी रेसलिंग बाउट्स और टेक्निक्स होती थी 1 घंटे बाद। उसके बाद फिर हम वही दंड बैठक, रस्से चढ़ना और सारी फिजिकल एक्टिविटी करके हम 8:30 से 9 बजे तक फ्री होते थे। जी, इस थकान ने आपको काफ़ी कामयाबी बनाया, जो आपने मेहनत करी वो कामयाबी हमें दिख रही है। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं, जब आपने पहलवानी का जो आपका सिलसिला शुरू हुआ है, आपको कौन कौन से अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं? बहादुरी का भी पुरस्कार ये जीत चुका है लड़का, इसने ऋषिकेश में कुछ बच्चों को डूबते हुए बचाया था, इसे पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला था। और प्रतिभाओं का तो ये हमेशा सदैव धनी है, और ऐसी आशा है कि ये सदैव उन्नति के शिखर पे पहुंचता रहे। जी, मेरे को नेशनल यूथ आइकन अवार्ड, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड, उत्तराखंड रत्न अवार्ड, देवभूमि उत्तराखंड आइडल अवार्ड, प्रेसिडेंट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड और भी अन्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने 9 शेरा टाइटल के बारे में बताया था पिछले सेगमेंट में, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपने किन किन देशों के पहलवानों को हराया था। 9 शेरवा के दंगल में इंडिया के ही पहलवान आपस में फाइट करते हैं, तो मैंने 9 पहलवानों को बिना मतलब हारे और बिना बराबर हुए हराया था, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तर प्रदेश इत्यादि 9 स्टेट के पहलवान थे जिन्हें मैंने हराकर 9 शेरवा का टाइटल जीता था। और उत्तराखंड का मैं पहला पहलवान बना था 9 शेरवा टाइटल जीतने वाला, और इंडिया का यंगेस्ट पहलवान था मैं। आपने जैसे मुझे याद है बताया था कि आपने सबसे पहली बार जो कुश्ती की शुरुआत थी वो गंगा किनारे रेत में करी थी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें लेकर चलें और वहाँ के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ अखाड़ा नहीं था तो रेत में ही हम लड़ते थे, और बिल्कुल मैं आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने पहली बार जहाँ मैं जाकर कुश्ती लड़ता था। और आइए आप मेरे साथ। चल जी, ठीक। हमें बोल के जाता था मैं अभी आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, और आता था कई घंटे में, और मिट्टी में सना हुआ आता था और पहचान में नहीं आता था। कई बार तो स्कूल से इसको देखते थे कि ये बैग फेंक के और गंगा के किनारे चला गया, वहाँ रेत में लगा रहता। मिट्टी तो एक मिट्टी से जुड़ा खेल है पहलवानी, कुश्ती प्राचीन खेल है, और पहलवानों का श्रृंगार
मिट्टी कहा जाता है। हाँ यही बादाम वगैरह दूध, दूध का बहुत शौकीन है बहुत। कई बार तो ऐसा होता था मैं रात को फ्रिज में दूध ही नहीं रखती थी। ये दौड़ते दौड़ते आते थे रनिंग में भी, तो बाजी टाइम ऐसा हो जाता था कि यहाँ कच्चे दूध पी जाते थे, कभी 4 किलो पी गए, कभी 5 किलो पी गए। जो ये वर्ल्ड पीस की आपने यात्रा करी थी, जहाँ पे आपने 32 देशों की यात्रा करी थी बाई रोड, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके पीछे की क्या कहानी रही है?